खुशामदीद नाजरीन, मैं मोहम्मद मुतशम खान और आप देख रहे हैं अमेरिकन न्यूज़। हबीब नगर पुलिस स्टेशन हदूद में गंजटियों की हलचल से आवाम है परेशान। कल रात मोइज़ नामी गंजटी ने पर अपने साथियों के साथ लतीफ़ के घर पर हमला कर दिया और खातून के गले से 2 तोला की सोने की चेन छीन कर फरार हो गया। हबीब नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। जानते हैं मुकम्मल तफसीलात मुतासरीन की ज़ुबानी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बुला के मारे मेरे बच्चे को, हम लोग छुड़ाने गए तो मेरे पूरे 2 तोले की चीज भी ले लिए। पारिस वालों का नाम मालूम है आपको? अंडा रोटी बोल के बोलते है, उन लोगों का काम ही चोर है ताकि पीना खाना सब बिलावा जी अंदर बच्चों को बुला के मारना। मेरा बच्चा घर में बैठा हुआ था, 8-10 जने हैं और 2 तोले की चीज भी ऐसा खींच ली है हमारी। इसके जिम्मेदार कौन है बोलो, आप ही बोल के दिलाना हमारे को ये चीज़। तो कौन लेडीज थे क्या साथ में जब आप चीज किसकी थी? वो मेरी चीज थी, मेरे बच्चे को मैं छुड़ाने गए थे, खींच लिए वो लोग। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम घर में थे, बच्चे को बाहर बुला के मारे और बुलाओ जी। मेरा बच्चा घर में, आपके घर के पास आके घर पे थे, बुला के बाहर मारे? बुला के मारे, कुछ भी दुश्मनी नहीं है, हमारा बच्चा रहता ही नहीं। आपका मकान कहाँ पे है? दरगाह शाखा मुझके पास। अच्छा, वहाँ वहाँ अंडा रोटी को नहीं है, रहता उसका काम ही वो ही है। अच्छा, कितने जने आए थे आपके घर जी? 6 जने थे। 6 जने आए थे? हाँ, 6 जने आए। आगे एक बच्चे को भेजा है पहले तो जी, उनके आए तुम्हारे वास्ते बोले तो मेरा बच्चा बाहर गया जी। उन्होंने पीने खाने ले के थे, उनको क्या भी मालूम नहीं, उन्होंने मार दिए चाकू से मेरे बच्चे को। जो घर पे आए थे पिए के खा के आए थे आपके? हाँ, घर पे पी लेके खा लेके थे। उन्होंने इससे पहले कोई लड़ाई हुई थी क्या उन लोग से? लड़ाई नहीं थी। आप बस्ती में पूछ सकते मेरा बच्चा कैसा है। सो फर्स्ट टाइम है आपके घर पे ये लोग? फर्स्ट टाइम और मेरे बच्चे के ऊपर ये फर्स्ट टाइम। बेटी और चिंदी है उन्हें, और चिंदी है उन्हें जी, गांजा पीता और चिंदी जो है चिंदी सुनता उन्हें। जब आपके घर पे तो कंप्लेंट नहीं दिए पुलिस वालों को? नहीं मालूम था, लेके गए ये बोल के कि कोई आए तुम्हारे लिए, बोले तो मेरा बच्चा बाहर गया, ऐसा लड़ाई की कोई मसला ही नहीं था ना। बच्चा क्या काम करता आपका? मेरा बच्चा एसी काम जाता, सुबह 8:30 बजे गया तो शाम में 9 बजे घर को आता मेरा बच्चा। अच्छा, तो घर घर पे आके बुला के लेके गए मेरे बच्चे। अच्छा, बीच बच्चों में आप गए तो आपके ऊपर भी अटैक करे वो लोग? अटैक भी करे, 2 तोले की चीज भी दिए, खून देखो, 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 ये ऐसा होते रहे तो ये क्या कर रहे बोलो, पुलिस वाले भी क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को छूट देना है कि मैं क्या बोलो। ये अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता तो कौन जिम्मेदार थे इसके भाई जी? कौन जिम्मेदार थे बोलो तुम, पुलिस वाले रहे कि क्या कर रहे बोलो? आप पुलिस वालों को कम्प्लेंट दिए थे? अरे आप कम्प्लेंट करे, हम इतना हुए बाद हमारे कौन से पी एस में करे? हबीबनगर PS में। ये जब जो वाकया हुआ वो टाइम पे आप पुलिस वालों को कॉल करे थे या कम्प्लेंट डायरेक्ट पुलिस स्टेशन को चले गए थे आप? ये वाक्या हुआ इस टाइम पे हमारे जेल। अच्छा, ये हुए बाद में करे, ये होता बोल के किसको मालूम था? जो उन्होंने आके मारते बोल के किसको मालूम था? अंदर आके उन्होंने बुला ले गए उसको मफलत से, वो क्या तो भी मंगाए करते, उन्हें नहीं ला तुम बोला तो मारे उन्होंने। अच्छा, उनके साथ कितने लोग आगे मारे? 6 जने थे वो लोग।